देखो x का मान ज्ञात करना है, log log बेस टू 8 512 इज इक्वल टू x, तो log की परिभाषा से यहां लिखो बेटा, log log की परिभाषा से, इसकी परिभाषा क्या कहती है बेटा बताओ, इसकी परिभाषा कहती है a की घात x बराबर, क्या सूत्र है बेटा, log बेस टू a ऑफ m इज इक्वल टू एक्स, है ना, लॉग बेस टू एम इज इक्वल टू एक्स, तो ये सूत्र क्या है, ए टू द पावर एक्स हो जाता है, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम, इम्प्लाइज डेट यहाँ लिख दो, ए टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एम, ये सूत्र है, तो इसी सूत्र का हम उपयोग करेंगे, यहाँ पे आधार कितना है, आठ, तो आठ, आठ की घात कितनी हो जाएगी, एक्स बराबर कितना, 512, ओ भैया 512, ठीक है ना, तो 8, 8 के 8 के गुणनखंड करो, 2 गुणित 2 गुणित 2, पूरे की घात कितनी, x, 512 के गुणनखंड करो, 512 के गुणनखंड कितने होंगे, देखो 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दुनी 4, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 दुनी 4, 2 अठी 16, 2 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दुनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दुनी 4, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की घात कितनी, 9, एम्प्लाइज डेट यहाँ 2 कितनी बार है, तीन बार, तो 2 की घात 3, इस पूरे की घात x बराबर 2 की घात 9, ठीक है ना, पावर टू पावर, घात पे घात हो तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है, है ना, तो घातों पे घात हो तो घातांकों का गुणा हो जाता है, तो देखो अब इनका गुणा करेंगे अपन, क्या है 2 की घात 3 और इस पूरे की घात x, तो 2 की घात 3 गुणित x बराबर 2 की घात 9, है ना, तो ये आधार समान है, आधार समान हो तो घाते भी समान होती है, आधार समान हो तो घाते समान होती है, तो 3 गुणित x बराबर हो जाएगा आपका 9, ये दोनों बराबर है तो ये घाते भी बराबर हो जाएंगे, x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 गुणा में तो बटे में आ जाएगा, 3 किया 9, x बराबर कितना हो जाएगा, 3, कठिन के सरल, x बराबर 3 हमने आपको लाके दिखाया,